हेलो, आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स को बताने के लिए है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का क्या काम है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक वर्ब से काम नहीं चल रहा है और साथ में दो वर्ब्स लगे हुए हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट, तो उसमें से एक ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर होता है। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद नॉन फाइनाइट वर्ब साथ मिलाते हैं और वर्ब फ्रेज बनाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही है, ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब है हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब्स, वो वर्ब्स जो हेल्प करते हैं नॉन फाइनाइट्स को वर्ब फ्रेज बनाने में और वर्ब का काम करने में, उनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो टेंस बताते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस नहीं बताते हैं, वो वर्ब से ओरिजिनेट करते हैं लेकिन वो वर्ब का काम नहीं करते हैं। मैंने पहले ही चैप्टर्स में डिस्कस किया है नॉन फाइनाइट और फाइनाइट, आप उन्हें देख लेंगे। आज का ये वीडियो है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी शब्द, जैसे मैंने बताया कि इसका मतलब है हेल्पिंग, ऑक्सिलरी का मतलब कुछ हेल्प कर रहा है। सपोज एक माइक्रोफोन को ऑक्सिलरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब माइक में आप बोलते हैं तो वो आपको हेल्प करता है आपके वॉइस को लाउड करने में। सिमिलरली ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करता है नॉन फाइनाइट्स को वर्ब फ्रेज बनाने में। वर्ब फ्रेज कैसे बनते हैं, आइए देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी दो प्रकार के होते हैं, बेसिक ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। बेसिक ऑक्सिलरी तीन फैमिलीज हैं बेसिक ऑक्सिलरी के। बी फैमिली में है इज, एम, आर, वाज, वर। हैव फैमिली में है हैव, हैज, हैड। डू फैमिली ऑक्सिलरीज में है डू, डज, डिड। यानी कि टोटल 11 ऑक्सिलरीज होते हैं। इन ऑक्सिलरीज वर्ब के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज होते हैं वर्ब फ्रेज के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज वॉकिंग, तो इज यहां पर फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब है और वॉकिंग नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल वर्ब है, जिसको मिला करके इज वॉकिंग वर्ब फ्रेज बनता है, तो टोटल सेंटेंस हो जाता है ही इज वॉकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से आई एम टीचिंग, तो आई सब्जेक्ट है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है टीचिंग को वर्ब फ्रेज बनाने, एम टीचिंग वर्ब फ्रेज है। तो बेसिकली आप अकेले टीचिंग या वॉकिंग से सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपल्स हैं, उन्हें ऑक्सिलरी का सहारा चाहिए सेंटेंसेस बनाने के लिए, नहीं तो वो बेसिकली वर्ब की तरह नहीं काम करेंगे, वो नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेंगे। यदि टीचिंग या वॉकिंग इस तरह के किसी भी ing फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है वर्ब फ्रेज में, तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत है। हेल्पिंग वर्ब्स गिने चुने 11 + 13 यानी 24 होते हैं। 11 बेसिक ऑक्सिलरीज होते हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में है कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare। ये अकेले सेंटेंस नहीं बनाएंगे, इनके बाद एक नॉन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को बस असिस्ट करता है, मदद करता है वर्ब फ्रेज बनाने में और सेंटेंस बनाने में। किसी भी सेंटेंस में वर्ब या वर्ब फ्रेज का होना ज़रूरी है और ऑक्सिलरी का काम है किसी और वर्ब नॉन फाइनाइट को वर्ब फ्रेज बनाने में। आप अकेले इसको यूज़ करेंगे तो ये गलत होगा। एक बात और ध्यान रहे, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी ऑर्डिनरी फॉर्म, बेयर फॉर्म को यूज़ किया जाता है, और कोई भी फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरी के बाद यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे ही शैल कमिंग नहीं बोल सकते हैं, ही शैल कम ही होगा। ही कैन कमिंग नहीं बोल सकते हैं, ही कैन कम होगा। जब भी आपको कॉमन एरर्स ट्रैक करना हो तो बड़ा सिंपल है, यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के बाद कोई और फॉर्म नहीं होना चाहिए, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यानी कि बेयर फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म जिसको V1 बोलते हैं, वो होना चाहिए।
और मॉडल्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं और 13 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इसको हम लोग डिटेल मॉडल चैप्टर में पढ़ेंगे। आज ये वीडियो है बेसिक ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के आउटलाइन बताने के लिए, और आप समझ सकते हैं ये तीन तरह के जो बेसिक ऑक्सिलरीज होते हैं वो अलग अलग तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपने बाद लाते हैं, और ये हमेशा वर्ब फ्रेज फॉर्म करता है। यदि वर्ब फ्रेज नहीं फॉर्म कर रहा है ये, तो ये मेन वर्ब की तरह कभी कभी काम करता है, जैसे लिंकिंग वर्ब, जैसे ही इज एन एक्टिव बॉय, ही इज एन एक्टिव बॉय में यहाँ इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब की तरह है, उसका काम नॉन फाइनाइट, उसका काम लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं, उसका काम लिंकिंग वर्ब की तरह है, उसका काम ऑक्सिलरी की तरह नहीं है। ऑक्सिलरी का एक ही काम है अपने बाद नॉन फाइनाइट लाना, और नॉन फाइनाइट और ऑक्सिलरी मिलकर वर्ब फ्रेज बनाता है। वर्ब फ्रेज में चाहे दो वर्ब यूज हो सकते हैं, एक फाइनाइट या दो नॉन फाइनाइट, या एक नॉन फाइनाइट, एक या दो या तीन वर्ड यूज हो सकते हैं, वो वर्ब की तरह होते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का, फाइनाइट हमेशा एक टाइम आता है। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अकेले सेंटेंसेस में वर्ब का काम करते हैं या फिर असिस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने फाइनाइट वर्ब के वीडियोज में आपको मैं पहले ही बताया।